उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का सियासी दंगल शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि सपा, कांग्रेस और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका फैसला भी करीब करीब हो चुका है। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और आरएलडी जेडीयू को सीटों का ऑफर दिया है। फॉर्मूले के तहत कांग्रेस को 78, आरएलडी को 22 सीटों का ऑफर मिला है, जबकि समाजवादी पार्टी खुद 303 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो गठबंधन लगभग तय है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 26 दिसंबर को यूपी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है और खबर ये भी है कि सपा से गठबंधन को लेकर ही राहुल गांधी प्रदेश के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब महागठबंधन करने की तैयारी में है और इसके लिए कई फॉर्मूले भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एसपी के इस ऑफर को स्वीकार करती है या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।